अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ वर टुडे वी विल डिस्कस क्रॉसिंग टू आउट। पहले हम लोगों ने किया था क्रॉसिंग वन आउट, आज हम करेंगे क्रॉसिंग टू आउट। जी हम स्टार्ट करते हैं। टाइम फॉर पोएम है बिग ऑस्ट्रिच। हाउ मैनी एग्स, वो पूछ रहे हैं ऑस्ट्रिच, बड़े ऑस्ट्रिच तुम कितने अंडे रखते हो? 6 eggs एंड क्रॉसिंग 2 makes 4 eggs। वो कह रहे हैं मेरे पास 6 थे और 2 मैंने क्रॉस कर दिए तो मेरे पास कितने रह गए? 4। गेट दिस, 1 2 3 4 5 6, कितने eggs थे? 6। जब उसमें से 2 हमने क्रॉस कर दिए तो फिर पीछे कितने लेफ्ट रह गए? 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4 eggs। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी कितने eggs हैं? 1 2 3 4 और 5 6 टोटल। पहले सबसे पहले हमने देखना है, हमने सब एग्स को काउंट करना है। टोटल कितने एग्स हैं? 6। यहाँ पर हमें क्या राइट करना है? 6। फिर हम लोगों ने देखना है कि इसमें से हमने कितने क्रॉस करने हैं। ये किसका साइन है? माइनस का। माइनस का मैंने क्या मतलब बताया था? क्रॉस करना, निकाल देना। ये क्या राइट हुआ है? 2। तो हमने कितने एग्स क्रॉस करने हैं? 2। ये देखिए, यहाँ 2 eggs को हमने क्रॉस किया। अब देखते हैं कितने एग्स रह गए। 1 2 3 4, तो कितने एग्स रह गए? 4। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? 4। जी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इन सब एग्स को काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एग्स हैं? 8। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? 8। ये किसका साइन है? माइनस का। माइनस का क्या मतलब होता है? क्रॉस करना। अब ये क्या राइट हुआ है? 2। तो हमने कितने एक्स क्रॉस करने हैं? 2। तो ये हमने 2 eggs को क्रॉस कर दिया। अब हम काउंट करते हैं कितने एक्स रह गए। 1 2 3 4 5 6, कितने एक्स रह गए? 6। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आया? 6। तो यहाँ पर हम 6 राइट कर देंगे। 8 - 2 = 6। जी यहाँ पर देखते हैं क्या है। बिग ऑस्ट्रिच, हाउ मैनी एग्स, कि बिग ऑस्ट्रिच कितने एग्स रखते हो? 4 eggs एंड क्रॉसिंग 2 makes 2 eggs। वो कह रहे हैं 4 eggs थे और मैंने उसमें से 2 क्रॉस कर दिए तो मेरे पास कितने रह गए? 2 eggs। ये देखिए, 1 2 3 4, टोटल 4 थे। जब 2 क्रॉस कर दिए तो कितने रह गए? 2 eggs। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? सारे एग्स को काउंट करना है। 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर क्या राइट करना है? 4। ये किसका साइन है? माइनस का। माइनस का क्या मतलब होता है? क्रॉस करना। जी अब ये क्या राइट हुआ है? 2। तो हमने कितने एग्स क्रॉस करने हैं? 2। 1 2, अब हम देखते हैं हमारे पास पीछे कितने रह जाते हैं एग्स। 1 2, तो कितने रह गए? 4 में से हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास रह गया आंसर 2। तो यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, काउंट करते हैं कितने एग्स हैं। 1 2 3 4 5, कितने एग्स हैं? 5। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? 5। ये किसका साइन है? माइनस का। माइनस का क्या मतलब होता है? क्रॉस करना। जी ये क्या राइट हुआ है? 2। हमने कितने एक्स क्रॉस करने हैं? 2। तो यहाँ पर हम 2 eggs को क्रॉस कर देंगे। अब हम देखते हैं कितने एक्स रह गए हमारे पास। 1 2 3, तो कितने एक्स रह गए? 3। आंसर हमारे पास क्या आया? 3। 5 - 2 = 3। इज इट क्लियर? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी नेम एनी 5 body parts, फेस, हेयर, ईयर, आई, लिप्स, नोज, टीथ, टंग, हैंड, आर्म, लेग, फुट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर? जिसके ब्लैक है वो ब्लैक कहेगा, जिसके ब्राउन है वो ब्राउन कहेगा। विच ऑर्गन्स यूज फॉर साइट? आइज। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑर्गन्स यूज फॉर स्मेल? नोज। कि हम हमारी स्मेल करने के लिए हम कौन से मतलब सेंस यूज करते हैं, हम किससे स्मेल लेते हैं? नोज से। विच ऑर्गन यूज फॉर स्मेल? नोज। अब यहाँ पर सोशल स्टडी के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। नेम सम फैमिली मेंबर्स, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज, जो आपके फादर का नेम है वो कॉल करेंगे। व्हाट इज योर मदर नेम? जो मदर का नेम है वो कॉल करेंगे। व्हाट इज योर सिस्टर नेम? जो आपकी बहन का नाम है वो कॉल करेंगे। व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम? जो आपके भाई का नेम है आप वो कॉल करेंगे। इज़ इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू आर स्टार्ट योर वर्क।